पुराना बूढ़ा जुपिटर सौर मंडल में सबसे पुराना और सबसे बड़ा गैस जायंट ग्रह, जो अपनी जगह अपनी ऑर्बिट में रहकर अपने काम को शांति से और बखूबी अंजाम देता रहता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जुपिटर का सौर मंडल में होना सौर मंडल के लिए कितना जरूरी है, हमारी पृथ्वी के लिए कितना जरूरी है। सौर मंडल में सबसे बड़ा और मैसिव ग्रह होने के चलते ही इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बेहद ज्यादा है। यही कारण है कि हमारी पृथ्वी के लिए बेहद विनाशकारी खतरा साबित हो सकने वाले इन विशालकाय कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स को जुपिटर अपने ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल के चलते अंदरूनी सौर मंडल तक पहुँचने ही नहीं देता है। इसीलिए जो कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स अंदरूनी सौर मंडल में पहुंचकर हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते थे, हमें नुकसान पहुंचा सकते थे, उन्हें जुपिटर या तो अपने में ही ले लेता है या उनकी ऑर्बिट्स की दिशा को ही मोड़ देता है। और यही कारण भी है कि जुपिटर पर होने वाले ये कॉमेट्री इम्पैक्ट्स रेट हमारी पृथ्वी की तुलना में 2000 से 8000 गुना ज्यादा है, जिनमें से कुछ बीते कुछ दशकों से हमारे टेलीस्कोप्स में भी रिकॉर्ड होते नजर आए हैं। अब जुपिटर पर ये इम्पैक्ट्स अक्सर होते रहते हैं, जो जुपिटर पर होना इतना अनयूजुअल यानी असामान्य नहीं है। असल में जो असामान्य है वह यह है कि कोई इसे होता हुआ बिल्कुल सही समय पर न सिर्फ देख रहा हो बल्कि फिल्मा भी रहा हो। और इस महीने सितंबर 2021 में बिल्कुल यही हुआ, जब दुनिया भर के स्काई वॉचर्स ने जुपिटर के ऊपरी वायुमंडल में एक धमाके को होते हुए फिल्माया। जब 13 सितंबर साल 2021 को UTC यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स के अनुसार रात 10:39 पर यानी भारतीय समय अनुसार सुबह 4:09 पर शौकिया खगोलविदों ने जुपिटर पर एक इम्पैक्ट की तरह दिखाई देने वाली चमकदार फ्लैश को रिकॉर्ड किया। जब जर्मनी से हारल्ड पेलेस्की और ब्राजील से होजे लुइस परेरा जुपिटर के आगे से गुजरते हुए उसके सबसे अंदरूनी चांद आयो की शेडो को रिकॉर्ड कर रहे थे। और इस घटना के साक्षी सिर्फ यही दोनों नहीं बल्कि इटली और फ्रांस में मौजूद दूसरे और भी कई शोधकर्ता बने। अगर वाकई इस घटना की पुष्टि हो जाती है तो यह घटना साल 1994 में कॉमेट शूमेकर लेवी 9 के इम्पैक्ट के बाद से जुपिटर पर देखे जाने वाली 9वीं इम्पैक्ट जैसी घटना हो जाएगी। आपको बता दें कि साल 1994 में कॉमेट शूमेकर लेवी 9 जो व्यास में तकरीबन 2 किलोमीटर जितना तक बड़ा था, जुपिटर के ताकतवर गुरुत्व बल के चलते 21 टुकड़ों में टूटकर जुपिटर ग्रह से जा टकराया था। उसके बाद से जुपिटर पर कैद होने वाली ये 9वीं इम्पैक्ट जैसी घटना थी जो कैमरे में कैद हो सकी। वैसे कॉमेट शूमेकर लेवी 9 पर ज्यादा जानकारी के लिए ये एपिसोड जरूर देखिएगा। ये अभी तक ठीक से ज्ञात नहीं हो सका है कि पृथ्वी से नजर आने वाली ये इम्पैक्ट फ्लैशेस जुपिटर पर औसतन कितनी बार आकर टकराती हैं, पर शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसा साल में 20 से 60 बार तक होता होगा, जो दुर्लभ ही हमारे कैमरे में कैद हो पाता है। अब क्योंकि जुपिटर बेहद ज्यादा विशालकाय है, इसी के चलते इसका गुरुत्व बल भी बेहद ज्यादा ताकतवर है, जिसके चलते इसकी ओर बढ़ने वाले मीटियोराइड्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की रफ्तार को इसका गुरुत्व बल पृथ्वी के तुलनात्मक बेहद ज्यादा बढ़ा देता है, जो ज्यादा तेज गति से इसके ऊपरी वायुमंडल से टकराते हैं। इसीलिए हमें पृथ्वी के तुलनात्मक ये इम्पैक्ट्स ज्यादा ऊर्जावान नजर आते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि इन इम्पैक्ट्स जैसी घटनाओं को हम उतनी बार नहीं देख पाते जितनी बार इनके होने की भविष्यवाणी की जाती है। जुपिटर पर ऐसा ही एक और हालिया इम्पैक्ट इवेंट 2 सालों पहले 7 अगस्त 2019 में भी रिकॉर्ड किया गया था। शोधकर्ताओं के मुताबिक 2019 में जुपिटर से जो ऑब्जेक्ट आकर टकराया था वह डायमीटर में महज 12 से 16 मीटर यानी 40 से 50 फीट के जितना ही था। पथरीले और आयरन कॉम्पोजिशन रखने वाले इस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान 450 टन जितना तक रहा हो सकता था। वेल, अब जिस रेट से हम इन इम्पैक्ट जैसी घटनाओं का पता लगा पा रहे हैं वह बढ़ती हुई प्रतीत हुई हैं। इस तरह की घटनाएं उन तमाम लोगों और शोधकर्ताओं को भरोसा देती नजर आती हैं, जिनका मानना है कि जुपिटर एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर के साथ साथ पृथ्वी को इन विशालकाय चट्टानों से बचाते हुए उसके प्रोटेक्टर की भूमिका भी निभाता है। इस टॉपिक पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। बहरहाल, अभी दिखाई पड़ी इस फ्लैश की गहराई से जांच होना बाकी है, जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा, जिसे पता चल सके कि 13 सितंबर 2021 में जुपिटर से आखिर टकराया क्या था। साल था 2012
जब स्क्लेप्टर कॉन्स्टेलेशन की ओर तकरीबन 1400 से 1500 लाइट ईयर्स दूर एस्ट्रोनॉमर्स ने अल्मा यानी एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए एक बेहद पुराने रेड वेरिएबल कार्बन जायंट स्टार के चारों ओर उम्मीद से परे बेहद विशालकाय मटेरियल के एक स्पाइरल स्ट्रक्चर को देखा। उस दौरान ये पहली बार था जब इस तरह की संरचना भारी स्पेरिकल शेल के साथ एक लाल विशालकाय तारे के आसपास पाई गई हो। खगोल वैज्ञानिक यह जानकर भी हैरान थे कि यह लाल विशालकाय तारा उम्मीद से परे बेहद ज्यादा मात्रा में अपने मटेरियल को इजेक्ट कर रहा है। यहाँ वैज्ञानिकों का कहना था कि शेल हमने पहले भी दूसरे तारों के चारों ओर देखी थी, लेकिन ये पहली बार था जब हमने तारे से निकलते मटेरियल को स्पाइरल फॉर्म में तो देखा ही हो, साथ के साथ एक तारे को चारों ओर से एक शेल यानी खोल से भी घिरा हुआ पाया हो। वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इसका कोई न दिखाई देने वाला साथी तारा इस स्पाइरल स्ट्रक्चर में रहकर इसको ऑर्बिट कर रहा हो। आर्स क्लैप्टोरिस नामक यह पुराना रेड जायंट स्टार दरअसल एक AGB यानी असिम्प्टोटिक जायंट ब्रांच श्रेणी का तारा है। इस श्रेणी के सभी तारे आमतौर पर अपनी शुरुआती अवस्था में सूर्य से 8 गुना या उससे थोड़े ज्यादा द्रव्यमानित होते हैं। अपनी लेट स्टेजेस पर आकर ये तारे रेड जायंट फेज में पहुंचकर बेहद ज्यादा मात्रा में मटेरियल को इजेक्ट कर अपने मैस को खोना शुरू करते हैं और नई पीढ़ी के तारों और ग्रहों के निर्माण के लिए अच्छी खासी मात्रा में रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराते हैं। आर्स क्लैप्टोरिस नामक इस तारे को लेकर वैज्ञानिकों ने एक खास बात यह भी जानी कि यह विशालकाय तारा करीबन 10 से 50,000 सालों के समय अंतराल में थर्मल पल्सेस को भी प्रोड्यूस करता है जो महज कुछ 100 सालों तक ही बनी रह पाती हैं। नई हुई ऑब्जर्वेशन से ये सामने आया कि आर्स क्लैप्टोरिस तारे ने ऐसी कोई थर्मल पल्स इवेंट को हाल ही में 1800 से 2000 सालों पहले प्रोड्यूस किया था जो तकरीबन 200 सालों तक बनी रही थी। इसका ना नजर आने वाला साथी तारा आर्स क्लैप्टोरिस तारे से निकलते इन मटेरियल स्ट्रॉम्स यानी तूफानों को स्पाइरल स्ट्रक्चर की फॉर्म में शेप देता नजर आया है, पर पता नहीं क्यों ये आज तक भी नजर नहीं आ सका है। आर्स क्लैप्टोरिस तारामंडल फिलहाल तो वैज्ञानिकों की समझ से परे ही रहा है। हो सकता है भविष्य में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप न सिर्फ इसके स्पाइरल स्ट्रक्चर और स्पाइरल शेल को लेकर कुछ नए खुलासे करें, बल्कि शायद हम इसी टेलीस्कोप की मदद से इसके छुपे साथी तारे को भी ढूंढ निकाल पाने में सक्षम हो पाएं। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज के इस एपिसोड से कुछ भी नया जानने और सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मेरे अपलोड के साथ ही मिल सकें। तो अब मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय गाइज, टेक केयर, जय हिंद।